ये करो ना सेक्सी जुत्सु कैसे कैसे बीटीएस फैंस के साथ मजाक नहीं होता भाई। अच्छा हाय मेरे को जिंदा वापस घर जाना है, ठीक है। बम्बई में आज है दूसरा दिन, सुबह के बज रहे हैं 10 एग्जैक्टली हो गया रहेगा ना, 10 बज रहे हैं, 10:30 तक ही ब्रेकफास्ट मिलता है तो हमको जाना है जल्दी। मैं और मोहित हो गए रेडी, बज गए तो सिर्फ मेरी घड़ी में वो कह रही है कि 2 दिन से सोई नहीं हो, सही सब सो जाओ। ओ एप्पल वॉच ये भी सही है, सो जाओ यार, तुम्हारे बदले का ब्रेकफास्ट मैं कर लूंगा। अभी कल क्या हुआ, कल ट्रैवल करके आए थे तो इसलिए ब्रेकफास्ट ठीक से गया नहीं, और इतने सारे ऑप्शंस थे ना कि देख के ऐसे ओवरवेलम्ड हो गए थे कि भाई क्या खाएं इसमें से। आज मेरा और मोहित का प्लान है कि आज ऐसा वसूल करना है 3 8s में, वो लोग बारात में लगते है ना ऐसे प्लेट में लेके पूरा बराबर रहता है, बस फाड़ देगा, लंच नहीं करेगा आज आज यही, क्योंकि उसके बाद पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो फुल एनर्जी चाहिए, ऐसा बीच में डकारे मारना चाहिए। पीजे का मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, पीजे तो फ्रूट ही खाता है, बाहर जाता है तो पीजे खाता नहीं है। वही पीजे बोलता है कि मैं बाहर आता हूँ तो मैं खाता नहीं हूँ, ठीक। कल उसने लिटरली 4 टुकड़े खाए फ्रूट के, हो गया ब्रेकफास्ट, बिकॉज़ पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। यस, खुद बोलता है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता किसी को। मैंने कहा चिंता मत करो, तुमने किया भी नहीं किसी को, होटल वालों को भी नहीं किया तुमने ब्रेकफास्ट। हाँ, होटल वाले भी बोलेंगे कितना सोना मुंडा है, कुछ खाता ही नहीं। ये तीसरा बेड है, एक जिसपे मैं हूँ, 2 और ये पीजे का तीसरा, ये मतलब मूवेबल वो लोग ला के दिए 3rd पर्सन के लिए। मेरे को लगा था सिर्फ ये गद्दा ला के देंगे, नीचे उन्होंने बेड भी ला के दिया छोटा सा। आज का सब कुछ हो गया, ये है व्यू। मैंने कॉल कर लिया, अभी टाइम है 11:43, 12 बजे तक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके खत्म करना था, अभी जाके इधर सेटअप लगाएंगे, इधर नीचे बैठेंगे। सेटअप पूरा हो चुका है, ठीक है, पॉडकास्ट का सेटअप तुमको दिखाता हूँ मैं, इसको रखा है ताकि हल्का सा लोगो दिखे, ये प्लेन सही नहीं लग रहा था। उसके बाद ये कैमरा 2 लोगों को रिकॉर्ड करेगा, वो कैमरा 3 लोगों को रिकॉर्ड करेगा ऐसा, और वो कैमरा यहाँ पे बैठे हुए होस्ट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सबकी वायरें वगैरह लगी हुई है, ये मोहित का आईफोन है, ये मस्त बम्बई का व्यू है, पीजे का लैपटॉप है, इसमें सब कुछ कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं। हाय, इधर ऑडियो, इधर पावर केबल लगा हुआ है, नीचे बैठ के करेंगे मस्त। अब क्यों रुके हैं हमारे होस्ट के लिए, चलो भाई करते हैं, इतना ही प्रेशर हमारे एडिटर पे जाने वाला है। टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा है, 5:15, अब भी जाके अपन कर रहे हैं लंच। ये है हमारा लंच, दो प्लेट मोमोज खा के देखो, मोमोज मेरे कान में से धुआं निकलने लगा, बहुत मिर्ची लग रही है उसी में, उसमें मिर्ची ये खा के तो देखो तुम, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं मिर्ची दिख रहा हूँ, ये कैसा लग रहा है दिखने में। पीजे को तीखा पसंद है तो पीजे अब खा के बताएगा कैसा है। सिंपल स्टीम मोमो क्यों नहीं मंगाए तुमने? अरे यार वो बेस्ट सेलर में था, मस्त रेटिंग थी इसकी तो मैं मंगा लिया। एक मंगाते, अब वो एक ही डिश है, एक ही में ये सब कुछ आया है। अरे एक ये मंगाते, दूसरा स्टीम मंगाते, उधर एक ही डिश था, मैंने वो ऑर्डर कर दिया भाई। ठंडा क्यों है? अरे गर्म नहीं लग रहा, तीखा लग रहा है। ठीक ही है, हाँ तो खाओ फिर तुम। नहीं मतलब इतना बड़ा फैन नहीं ना हूँ मैं, पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। और पीजे ने मंगाई ये उतनी बिरयानी, ये इतना ही लंच है हमारा, ठीक जितना दिख रहा है। ये लंच भी कर रहे हैं हम लोग 5:30 बजे, 5:30 बजे क्योंकि पॉडकास्ट कर रहे थे, और उसके बाद उसको सेंड करने में 2 घंटे लग गए, उसके बाद फिर थोड़ी करी, उसके बाद फिर से शो रनर से मिले, अभी अगर रुक के उसको बोल दिया, हाय सर हाउ आर यू, डू यू नीड एनी हेल्प सर, बिरयानी इतने सारे सूट से कुछ भी हेल्प चाहिए भाई यार, पर बेचारा मतलब बेचारा तो नहीं बोलेंगे क्या, स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो है, देख नहीं भी 3 काम किए इसने, कितना घिसा होगा भाई बंदा। वो तो है यार। बर्गर कैसा है? मस्त। तुमको लग रहा होगा कि अब हम लोग आराम कर रहे होंगे, मस्त कुछ काम नहीं है, तो वो वहाँ पे अक्षय कुमार की पिक्चर आई है, उसका ट्रेलर रिएक्शन अपलोड कर रहे हैं जस्ट, यहाँ पे मैन ऑफ कल्चर का थंबनेल बन रहा है, 7 बज गए, 1 घंटे में जानी है पॉडकास्ट, एडिट हो गई होगी, एडिटर को कॉल किया था मैंने, वो अपलोड करेगा, अब 1 घंटे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, चैन नहीं है इंसान को कभी। थंबनेल जैसे तैसे करके बना दिया ऑलमोस्ट, पीजे हमारे मस्त खुद के ही रील देखते बैठे, ठीक है भाई, तो देखते हैं कुछ तो जुगाड़ लगाते हैं कि कैसे जाएगा मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट 8 बजे। सुना क्या किसी ने? मैंने बोला था ना इनको काम पे लगाऊंगा, ये देखो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये भी पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और मैं भी पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। 1.5 घंटे का है, आधा घंटा ये सब मिलके काम कर रहे हैं, 9 मिनट बचा है बस। पीजे का व्हाट्सएप वेब काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने अपने को डॉक्यूमेंट में भेजा है टाइम स्टैम्प लिख के। मोहित अपना काम खत्म करके मस्त गाने सुन रहे हैं। अभी ये देखो इसको, ठीक है, उसको थानोस का आखिरी वाला शॉट इन्फिनिटी वॉर का रिलैक्सिंग लगता है, अपना कांड करने के बाद बैठ के रिलैक्स नहीं करता तो, हाँ तो मेरे को डिप्रेसिंग लगता है ना।
क्यों डिप्रेसिंग लगता है यार, वो तो रिलैक्सिंग नहीं, रिलैक्सिंग नहीं है क्या वो बादल? नहीं वो व्हाट डिप्रेसिंग, उसको पता भी नहीं किस बारे में। अरे नहीं भाई डिप्रेसिंग थोड़ी है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई उसने अपनी जिंदगी सफल कर ली, जिंदगी उसकी जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया उसका। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये है डिप्रेसिंग वाला का गाना। डिप्रेसिंग सीन सुनो, डिप्रेसिंग सीन कौन हुआ जिसमें एवेंजर्स मरते हैं वो अपने लिए डिप्रेसिंग है, फिर उसके बाद थानोस जब शांत होता है तुम भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसने जो करना था ये कर लिया, तो वो माहौल ठंडा पड़ जाता है ना, तो मेरे को बड़ा खराब लगता है। इसलिए तो इन्फिनिटी वॉर समझ रहे हो पीछे के लिए डिप्रेसिंग है। भाई यार मुझे डाइवर्ट मत करो, मेरे 7 मिनट रह गए अभी यहाँ पे, तो मेरा फॉन्ट मैच नहीं हो रहा है। मैं ऐसे नहीं, ये देख रहे हो ऐसी बात नहीं, ये पीछे का फॉन्ट और ये फॉन्ट मैच नहीं हो रहा ना ये। अरे फॉन्ट मैच नहीं हो रहा तो क्या लिख सकते हो, चलेगा ना? हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दो तुम, तो क्या फॉन्ट मैच करना है तुमको? ये तुमको अजीब नहीं लग रहा है कि ये छोटे और वो एकदम से बड़े हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं, उठा डाल दो भाई। कैलिब्री है बाकियों का और ये पीजे का है एरियल, तो करते हैं अपन इसको भी कैलिब्री। हो गया ठीक तुम्हारा भी। 16 किलोमीटर बस बड़न खाने है। यहाँ पे मेन ये चल रहा है कि ये और ये सब एक एक फोटो निकालेंगे, BNFTE को भेज रहे, जला रहे, वो उधर से ऐसा मस्त 5 स्टार का डिश भेजा तो कितना कट टू कट काम करता है अपन। देखो 20 अगस्त 8 बजे का शेड्यूल मारना है और अभी तारीख है 20 अगस्त 7:56, 4 मिनट पहले ये मार दिया। वी आर स्टिल चेकिंग व्हाट द फक। पीजे को ये भी डिप्रेसिंग लगेगा। अरे हाँ ये गाना भी डिप्रेसिंग लगेगा उसको भाई। यार पीजे चलो भाई, 2 मिनट पहले हुआ है काम। टाइम हो रहा है 8:46, 8:55 को निकलेगी ट्रेन और अभी हम बोगी ढूंढते बैठे। भाग रहा है। एक जन को छोड़ने 4 लोग अच्छा कर दिया है कि नहीं, मतलब पुलिस लोग सब चेक करते हैं। मेरे टाइम तो कुत्ते लेके घुमा रहे थे अंदर चेकिंग के लिए, चट्टा बांध के ऐसे तेरे को ही घुमाए होते। चल मैं काम कर देता हूँ। रामन खाना है, रामन जापानीज रेस्टोरेंट है लेकिन उसके साइड में कोरियन रेस्टोरेंट है। अब हमारे अंदर चुल मच रही है कि वहाँ अंदर जाए और जाके बोले BTS हमारे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर, मतलब लेकिन तुम जाओगे ना बोलने के लिए? मैं थोड़ी बोलने जाऊंगा, मेरे को जिंदा वापस घर जाना है। ठीक है तुम अभी कैंसिल करवाओ, कैंसिल अपने आप को कैंसिल कर रहे हो। अरे तुम, अरे तुम मजाक में बोल रहे हो, अंदर जाके ऐसे मजाक में बोल के देखते हैं। हम BTS फैंस के साथ मजाक नहीं होता भाई। हमारे को हमारा इस वाले ब्लॉग और इस वाले वीडियो से कोई एसोसिएशन नहीं है, डालो ही मत ना। नहीं ये जाएगा तो है, देखो बैन हैशटैग ट्रेंड तो होगा कम से कम, वेरिफिकेशन बैज मिल जाएगा। हाँ वेरिफिकेशन का बैज मिल जाएगा, ऐसा बैज हमको नहीं चाहिए, मृत्यु वाला बैज। अच्छा मेरी लाश के ऊपर से मेरे को बैज नहीं चाहिए। अपना ही पॉडकास्ट देख रहा है ये, कमेंट्स रीड कर रहा है। US first, PJ never disappoints। इतना ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों लग रहा है? क्योंकि PJ का कैमरा है ना, PJ का 3 लाख का कैमरा है। देखो उससे अच्छा लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो कैमरा था उसका एंगल उससे अच्छा है, और उससे अच्छा मेरा आईफोन। हाँ आईफोन बेस्ट। जापानीज रेस्टोरेंट में आके भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डाइट कोक पी रहे। पूरा वो मेन्यू था पूरा इतना बड़ा, स्टडी किया हमने लिटरली उसको कि हर एक के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। लास्ट में बोला डाइट कोक की दे दो, तो ये हमको देख रहा है। यही था, ठीक है तुमसे यही उम्मीद थी। चलो मैं भी पीता है डाइट कोक। ओके लिसन ASMR, बहुत अच्छे ASMR हो गए भाई। उंगली दुख गई यार मेरी, छोड़ो यार चॉपस्टिक से नहीं हो पाएगा भाई, ये पकड़ना हाथ में ही नहीं आ रहा है। एक तोड़ के ही बैठा है उनको ही पूछ। हाँ ये गलत तोड़ दिया दिखा, ऐसा तोड़ना चाहिए हाफ हाफ। उनको पूछे क्या मुहे कैसे पकड़ते हैं? तुम एक दिन में चॉपस्टिक से खाना नहीं सीख सकते। अच्छा प्रैक्टिस, ये तो क्या कर रहा है, पेन पकड़ रहा है ये, तुम पकड़ रहे हो भाई, तो ऐसा ही करते हैं ना, ऊपर से पकड़ते हैं ब्रो। ओ ओ अब ये अरे अब खा लो इसको, अबे उठ गया अबे, अब खा लो इसे, तुम उठा के दिखाओ। चलो इट्स योर टेस्ट, पिक इट अप। यू हैव टू फोकस ऑल योर एनर्जी, फोकस मास्टर बादल। नहीं इसको छोड़ दो, अब इसको इस कोने से उठाओ, कोने से उठाओ, ये देखो कोने से उठा रहा हूं, सीख गए तुम। अभी चम्मच उठाओ इसको, हां बहुत पतला है यार ये, तो नूडल्स तो बहुत मोटी होती है। मैं ये नहीं उठेगा, लेट मी ट्राई दिस वन। अबे पकड़ भी नहीं, अबे छोड़ो रे, हो गया आज के लिए इतना काफी है। जुत्सु का लेवल 1 ही हुआ है अभी, सेक्सी जुत्सु धीरे से सीखेंगे। पीछे करो ना सेक्सी जुत्सु कैसे
बहुत गलत करके भाई लास्ट में ये दिखा दिया ऑर्डर आ गया। ये थोड़ा आलू बड़ा पेट जो है पहले ही भर चुका है। ये बोल देख रहे हो तुम तो इतना बड़ा बोल है। मेरा फिर भी बोल ठीक है इसका देखो। अरे सर आप सेलिब्रिटी हो सर, आप सेलिब्रिटी हो, आप खाओ आप बताओ। बॉयकॉट नहीं बोला है। हाँ ऐसे खा लो। हाँ हाँ खाओ खाओ। डिसेंट बेइज्जती कर दी यार तुम्हारी और मेरी। रामन की दुकान से हम लोग निकल चुके हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आया। रामन नहीं है, रमन हो गया। दो तीन तीन बाइट खाए बस भाई। एक्चुअली अच्छी नहीं बनाई थी भाई। अच्छा अच्छी मैं अच्छा। बता मेरे को नहीं पसंद आई, मेरे को बहुत पसंद है। जब तुम पंजाबी वाला महंगा लग रहा था। सोचो पंजाबी वाला महंगा लग रहा है। ये तो भाई बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली महंगा था, बहुत ज्यादा महंगा था और अच्छा भी नहीं था। भाई नहीं पसंद आया, छोड़ के आ गया। वैसे स्टार्टर मतलब उसके हिसाब से बहुत बढ़िया था। हां सही में अब सोचो तो ऐसा लगता है स्टार्टर बहुत अच्छा। भाई स्टार्टर्स मेन कोर्स डेजर्ट। सॉरी नारुतो पता है वो यूरोपियन कांसेप्ट है क्या? नहीं यार यूरोपियन तो मैं खा चुका हूं, ऐसा नहीं होता वहां। थ्री कोर्स में जो तुम कह रहे हो ना कि एक जैसा टेस्ट है, ऐसा नहीं होता। ये देखो रामन एक्सपर्ट मतलब यहाँ पे था पर ऐसा होता नहीं है। तुम्हें पता रामन क्यों पसंद करी जाती है? क्यों? क्योंकि उसके हर बाइट में अलग फ्लेवर आता है। ओ उसमें इतनी सारी चीजें होती है ना, मल्टीपल चीजों का कंसेप्ट है वो। तो उसके हर एक एवरी सिंगल बाइट यू टेक देयर इज अ डिफरेंट फ्लेवर। भाई इसमें कुछ नहीं था, एक ही गंदा स्वाद आ रहा था। बड़े लोग रामन खा के मन नहीं भरा तो अब पीजे ने किया है जोमेटो मखाना, क्योंकि वही है जिससे पेट भरता है। हाँ और बढ़ भी गई है।